वन साथी शब्द का क्या अर्थ होता है? क दुश्मन, ख दोस्त, ग पड़ोसी, घ पापा। साथी शब्द का अर्थ होता है दोस्त। नंबर टू, निम्न शब्दों में जानवर का बोध कराने वाले शब्द कौन सा है? क से, ख राजू, ग मोजा, घ जूता। करेक्ट आंसर है शेर। शेर एक जानवर होता है। Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, my Parshala by Neetu Nigam. आज मैं सिल्वर जोन ओलंपियाड क्लास थर्ड के हिंदी के क्वेश्चन पेपर एंड उसके सिलेबस लेकर आई हूँ। ऑलमोस्ट ज़्यादातर ओलंपियाड एग्जाम जो है मैथ, साइंस, इंग्लिश और साइबर एंड जीके जैसे शब्दों में होते हैं। हिंदी सोशल स्टडीज सब्जेक्ट में ओलंपियाड कम ओलंपियाड कंडक्ट किए जाते हैं। तो सिल्वर जोन ओलंपियाड में हिंदी सोशल स्टडीज से भी ओलंपियाड लिए जाते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट में भी आप बच्चों को तैयारी करवाकर ओलंपियाड के क्वेश्चंस पेपर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में ऑलमोस्ट वही सिलेबस होते हैं जो क्लास थर्ड के CBSE बोर्ड के, ICSE बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड के सिलेबस होते हैं। बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है भाषा ज्ञान, जिसमें स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, शब्दार्थ, शुद्ध अशुद्ध शब्द, सम विषम शब्द, जिससे प्रश्नों की संख्या 6 रहती है, अंक पर क्वेश्चन 3 और अंकों का कुल हो जाता है 18। व्याकरण से हमारा आ जाता है संज्ञा, शब्दनाम, क्रिया विशेषण, विलोम शब्द, अपने शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे और कर्तरी। तार्किक क्षमता, इसमें कुछ रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें अपठित गद्यांश, अपठित पदांश और व्यावहारिक हिंदी होती है, जिससे 7 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ 21 नंबर्स के क्वेश्चंस। रीजनिंग, तार्किक क्षमता मीन्स रीजनिंग से भी पूछे जाते हैं। और लास्ट है विशेष योग्यता यानी स्कॉलर जोन, जो कि अभी हमने सिलेबस देखा उसी सिलेबस से हाई थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 25। इस प्रकार प्रश्नों की संख्या क्लास थर्ड के लिए 30 रहती है, कुल संख्या 100 रहते हैं और इनकी अवधि जो है टाइम 40 मिनट्स होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस हम शुरुआत करते हैं। 2 क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य हमें क्या देता है? क कपड़ा, ख रस्सी, ग रोशनी, घ गाड़ी। सूर्य हमें रोशनी देता है। देखते हैं बच्चों, जैसे ही शुरू होता है चारों तरफ रोशनी हो जाती है, लेकिन जब हम रात में सूर्य नहीं रहता, सूर्यास्त हो सकता है, तो समय सिर्फ अंधेरा होता है। तो सूर्य हमें क्या देता है? रोशनी। कोयला का रंग कैसा होता है? क पीला, ख काला, ग पीला, नीला और घ हरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ख काला। कोयला का रंग काला होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। सिर जंगल का होता है, क्या होता है सिर जंगल का? प्रजा होता है, राजा होता है, सिपाही होता है या वन मनुष्य होता है? सिर जंगल का राजा होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गुरु का हमेशा करना चाहिए क्या? अनादर, ख सम्मान, ग तिरस्कार, घ अपमान। गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। करेक्ट आंसर ख। नंबर 7, निम्न में से डंक मारने वाला कीड़ा कौन सा है? क बिच्छू, ख तितली, ग भालू और घ कछुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन क बिच्छू। बिच्छू को डंक मारने वाला कीड़ा है। बिच्छू डंक मारने वाला कीड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी किस नाम से प्रसिद्ध हैं? महात्मा गांधी किस अन्य नाम से प्रसिद्ध हैं? ए राष्ट्रपुरुष, बी ख राष्ट्रपिता, ग प्रधानमंत्री, घ राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर है राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है।
नंबर 9, निम्न दिए गए शब्दों को शुद्ध वाक्य कौन सा है? क, हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। ख, हवाई जहाज उड़ रहा है आसमान। ग, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। घ, आसमान उड़ रहा है हवाई जहाज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ग, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर क्लास फर्स्ट से एट तक के ओलंपियाड से रिलेटेड वर्कशीट एंड डिफरेंट ओलंपियाड के सैम्पल पेपर देखने को मिलेंगे। साथ ही क्लास फर्स्ट से एट तक के जनरल एग्जामिनेशन एंड वर्कशीट आप देख पाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा शब्द का विलोम शब्द क्या है? क, बुरा। ख, भला। ग, भोला। घ, बेहतर। करेक्ट आंसर है अच्छा शब्द का विलोम शब्द है बुरा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।